नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु दिवाकर और आज हम बात करने वाले हैं विश्व में सबसे पहले 300 मीटर की ऊंचाई को छूने वाले एफिल टावर के बारे में। एफिल टावर, जिसे फ्रांस की पहचान के तौर पर जाना जाता है और इसके निर्माण के पीछे एक लंबी कहानी है। एफिल टावर को 1887 में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में बनाया गया था। इस टावर को बनाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कई शर्तें रखी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए दो इंजीनियर्स मॉरिस और एमिली ने इसके डिज़ाइन और ढांचे पर काम शुरू किया। दोनों ही इंजीनियर्स ने टावर को बनाने के लिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन पेश किए, लेकिन उनमें से कोई भी डिज़ाइन पास नहीं हो पाया। बाद में टावर को बनाने में जाने माने आर्किटेक्चर और इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुस्ताव एफिल वही शख्स हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को डिज़ाइन किया था, और जो डिज़ाइन उन्होंने एफिल टावर के लिए तैयार किया था उसको 160 डिज़ाइनों में से चुना गया था। 30 मार्च 1885 को कंपनी ने गुस्ताव को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी बात रखने के लिए कहा, तो गुस्ताव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ मॉडर्न और इंजीनियरिंग की कला होगी बल्कि ये विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में चमत्कार साबित होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह टावर आने वाले समय में फ्रांस की पहचान बनेगा, और ऐसा हुआ भी। साल 1886 में जूलस ग्रेवी फ्रांस के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए और एफिल टावर के डिजाइन में कुछ और बदलाव किए गए, साथ ही इसका बजट भी तय किया गया। टावर का बजट पास होने के बाद गुस्ताव एफिल को टावर के कंस्ट्रक्शन की जगह से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा था, जिसमें कुछ नियम व शर्तें थे, जिसमें से कुछ हैं: टावर का प्रतिनिधित्व सिर्फ कंपनी करेगी, एफिल टावर में सिर्फ कंपनी के शेयर होंगे, और इसके बनने के 20 साल बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। गुस्ताव ने सरकार के नियमों को मानते हुए 1887 में एफिल टावर पर काम शुरू किया, जिसमें फ्रांस की सरकार ने फाइनेंशियल मदद की, और करीब 2 साल 2 महीने और 5 दिन बाद यह काम पूरी तरह खत्म हो गया और 1889 में एफिल टावर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, और अंत में इसका नाम इंजीनियर के नाम पर एफिल टावर रखा गया। लेकिन जब इस टावर के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम सामने आया, तो गुस्ताव ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे दिया। शर्त यह थी कि इसके बनने के 20 साल बाद यानी 1909 में इस टावर को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन 20 सालों में इस टावर को टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको उपयोगी माना गया, इसलिए इसको नष्ट करने वाले नियम को हटा दिया गया और विश्व धरोहर के रूप में इसको कामयाब रखा गया। एफिल टावर की ऊंचाई को 3 मंजिलों में बांटा गया है, जहाँ इसकी पहली मंजिल 57 मीटर पर है और इसकी गैदरिंग 3000 लोगों की है। इस मंजिल पर चारों तरफ जालीदार छज्जा है और टूरिस्ट के लिए दूरबीन की सुविधा है, जिससे टूरिस्ट पेरिस की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का व्यू ले सकते हैं। एफिल टावर की दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर है, जो एक साथ 1600 लोगों को संभालने की क्षमता रखती है, और कहा जाता है कि दूसरी मंजिल से ही सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है, और जब मौसम साफ होता है तो इससे 70 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। एफिल टावर की तीसरी और आखिरी मंजिल 275 मीटर पर है, जहाँ पर एक साथ 400 लोग आ सकते हैं, और इस मंजिल को चारों ओर से कांच से ढका हुआ है, और इसी मंजिल पर गुस्ताव एफिल का ऑफिस भी है, जिसमें उनकी मोम की मूर्ति रखी हुई है। पिछले कई सालों से हर साल तकरीबन 60 लाख से 70 लाख टूरिस्ट एफिल टावर की सैर करने आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अभी तक 2007 में आए थे, जिनकी संख्या 69,60,000 थी। और कहा जाता है 1960 के दशक में जब मास टूरिज्म का विकास हुआ, तब से यहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी, और ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त एफिल टावर की फोटो लेना गैरकानूनी है, और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि एफिल टावर पर लगी लाइट्स के डिज़ाइन पर उनके आर्टिस्ट का कॉपीराइट है, और यूरोप में किसी भी कॉपीराइट चीज की फोटो लेना गैरकानूनी है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी परमिशन देती है तो फोटो ली जा सकती है। और इस बात में कितना सच है, इधर रात के वक्त एफिल टावर जाके पता लगेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।